ये जाते हुए Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Vishal Singh and you are watching Vishal Singh Vlog. So, आज है संडे और संडे को आज हम लोग आए हैं कुछ अलग करने. ये मेरी जुम्बा फैमिली है, मतलब हम लोग साथ में जुम्बा करते हैं. कभी कभी मैं लोगों को सिखाने चले जाता हूँ, बाकी तो ये खुद ही कर लेते हैं. ओके, तो आज हम लोगों ने प्लान बनाया कि कुछ अलग करते हैं, डिफरेंट करते हैं. तो हम लोग आ गए आज फार्म हाउस पे. ये हमारी जीजी है और इनका फार्म हाउस है ये. तो मैं अभी इसका पूरा ओवरव्यू देता हूँ. आप लोगों को देख के बहुत मजा आएगा क्योंकि शहर के व्लॉग्स तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे. आज आप लोग गांव का व्लॉग देखो, मजा आएगा. सो लेट्स कंटिन्यू, मिलते हैं इनसे. ये है सोना मैडम, इनका है ये स्पेस. शी इज नेहा जी, ये नेहा जी है, ये ममता जी है, शी इज रूपाली मैडम और सर जैन फैमिली. सो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि आज हम लोग आए हैं हमारे फ्रेंड के फार्म हाउस पे, और जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में भी बता दिया और सभी से मिलवा दिया है. सो गाइस, यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो ये जो फील है, एक्चुअली मैं आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर सकता. मतलब यहाँ पे आके इतना अच्छा फील होता है, इतना सुकून मिलता है. आई डोंट नो आप लोग इस चीज़ को रिलेट करोगे या नहीं करोगे, बट मैं पर्सनली आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आकर जो फील और जो सुकून मिलता है बहुत ही अच्छा लगता है. क्योंकि आजकल की लाइफ जो है इतनी भागदौड़ भरी हो चुकी है. सो यहाँ पर आने के बाद आप लोग बहुत अच्छा फील करोगे. आप अगर आप लोगों के आसपास कोई इस टाइप के गांव है, छोटे मोटे खेत है, कोई फार्म हाउस है, तो वीक में या मंथ में एक बार एटलीस्ट विजिट करो और यहाँ से बहुत अच्छा लगेगा. आई एम फीलिंग वेरी गुड. मेरे लिए फर्स्ट टाइम नहीं है क्योंकि आई एम फ्रॉम झांसी, और झांसी में इस टाइप का माहौल मिल जाता है अक्सर, काफ़ी सारे गाँव हैं. तो ओवरऑल इस व्लॉग को बनाने का मकसद ये, आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों ने शहरों के, सिटीज़ के, इंटरनेशनल ट्रैवल के व्लॉग्स बहुत देखे होंगे. इस व्लॉग में आपको ऐसा बहुत लग्जीरियस कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा. बहुत ही छोटी छोटी ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे कुछ से कुछ पकाने वाले हैं, जैसे शायद पोहा या फिर चाय बनाएंगे. तो वो छोटी छोटी चीज़ों में जो फ़न है और उससे रिलेटेड ये वीडियो है. सो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो, कंटिन्यू करो, मज़ा आएगा आगे. सो ये है फार्म हाउस. यहाँ से आप जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक खेत ही खेत है. आप जितनी भी जगह जहाँ पर भी देखोगे, चारों तरफ मेरे 360 एंगल पे चारों तरफ खेत ही खेत हैं. और ये खेत सुबह के टाइम पे इतने अच्छे लग रहे हैं. यहाँ पे ये सामने जो है ये फूल हैं अभी सारे. यहाँ पे कोई स्पेशल किसी चीज़ की खेती नहीं हुई है, और सामने वो वाइट वाले फूल हैं. और उसके बाद जो आप लोग देख रहे हो वहाँ पे, वो वहाँ पे कुछ उगाया गया है. आई डोंट नो, इसने इतना नॉलेज नहीं मुझे इस चीज़ का. बट सुबह सुबह इन छोटे छोटे फूलों पे और जो पत्तों पे ओस जम रही है, फॉग जो जम रही है, वो उससे उसकी खूबसूरती बहुत डबल हो जा रही है. और यहाँ पे नीचे शायद प्रिपरेशन चल रही है. यहाँ पे इन लोगों ने कुछ सामान रखा हुआ है और वहाँ पे झूले वूले लगे हुए हैं. बहुत ही सही सीन है यार, मतलब मज़ा आ गया. अभी नीचे जाके देखते हैं कि क्या चल रहा है. और यहाँ पे चाय की प्रिपरेशन चल रही है. सारी लेडीज सब मिलके चाय बना रही है. वहाँ से आके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को. सो यहाँ पे चल रही है चाय की प्रिपरेशन. ये गैस यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ था. ये सेठ साहब का ये गैस यहाँ पे रखा हुआ था. भैया ने लगता है बात दिल पे ले ली. तो देखो ममता मैम यहाँ पे चाय बना रही है और उनकी डॉटर उसमें अदरक घिस रही है. और इंस्टेंट पोहे भी लेकर आए, तो पोहे बनाएंगे. मतलब चाय बनाना सीख रहे हैं और ये मैडम चाय बनाना सीख रही है क्योंकि ये चाय पीती नहीं है. तो भी
इनके लिए ग्रीन टी बनानी, हम सामने सभी पत्ते तोड़ कर लाएंगे और ग्रीन टी बनाएंगे। देखो मैं भी अपना थोड़ा सा योगदान दे रहा हूँ। सही कर रहे हो? नहीं सही कर रहा था यार, मेरे को आती है चाय बनाने। देखो ऐसा है कि मैं अपना योगदान दे रहा हूँ, अदरक इसमें ऑलरेडी डल चुका है, फिर भी थोड़ी एक्टिंग कर देता हूँ ज्यादा ना हो जाए। ऊपर चलना है अपन को। हाँ तो चाय रेडी, और चाय पीने के लिए हम आए हैं छत पे, क्योंकि हर जगह के हर लोकेशन के हमने मजे लेने। यहाँ पे है ना दो तरीके के फूल लगे हुए हैं, व्हाइट एंड ये वाले तो आप लोगों ने देखे होंगे। ये गेंदे के फूल है ना? नहीं नहीं गेंदा नहीं है ये। फिर गेंदा बताते हैं अगर। तो ये दिख तो गेंदे जैसे ही है। नहीं गेंदा, तो अपन जब मार्केट में जाते गेंदे के फूल लेने तो ऐसे ही दिखते है, नकली बेच देते। एक ये है कोई सा फूल येलो वाला गेंदे का, और ये जो फूल है ये बोल रही है बिजली का फूल है। बिजली 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 फूल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें से बिजली बिजली कहाँ से निकल रही है? नहीं पानी में है ना, और ज्यादा सुंदर दिख रहा है। ये वाले है गेंदे के, इसको पेड़ बोलेंगे पौधा बोलेंगे रवि जी? ये तो हमारे इसमें सबसे सीनियर और जानदार पार्ट, क्या बोलते हैं इसको, नॉलेजेबल इंसान जो है। कौन सा कौन सा खुद आपकी तारीफ हो रही? पौधा पूछ रहा हूँ, ये इसको पौधा बोलेंगे या पेड़? जो वयस्क हो चुका है वो पेड़ कहलाएगा, जो अभी किशोरावस्था में है उसको पौधा ही। हिंदी ब्लॉग है भाई साहब, है ना, इसीलिए अब हिंदी में बात कर रहे हैं। तो ये गेंदे के फूल है और वो नकली गेंदे के फूल है, मतलब दिख वो गेंदे जैसे रहे, नहीं है गेंदा ही है वो, एक टाइप का। अभी देखो ऐसा है, हम लोग वहां से यहाँ तक चल के आ गए। अब जूतों की सबकी हालत देखो, सबसे पहले मैं अपनी जूतों से शुरुआत करता हूँ। रवि जी की गाड़ी वाओ। नहीं जब तक जाएंगे तो सही हो जाएगा। मेरा वैसे क्लीनर रोज आता है, तो मेरा है ना कम से कम 2 किलो वजन बढ़ चुका है। अब पूछो वो कैसे कैसे, ये जूतों में एक एक पैर में 1.5 किलो मिट्टी लग गई है, तो मेरा वजन है ना 2 किलो और बढ़ गया। मतलब मेरा था अब मेरी शादी जल्दी हो जाएगी, तो शादी तो होने वाली है बहुत जल्दी, आप लोगों को बता। तैयारियां पूरी हो गई हैं, खाली लड़की ढूंढना बाकी है। और मेरी 30 फरवरी को शादी तय है, डेट भी तय हो गई है, 30th ऑफ फरवरी इस साल। अब हम लोग वापस जा रहे हैं बैक टू द बेस, और लेट्स सी अब क्या करते हैं। मजा बहुत आ रहा है, व्लॉग आप लोग पूरा देखना, आई डोंट नो ये कैसे जाएगा, कटेगा पिटेगा, लेकिन हम लोग, मैं इस व्लॉग को एकदम बहुत सिनेमैटिक और वैसे स्टाइल में नहीं दिखा पाऊंगा, हम लोग बनाने रॉ व्लॉग, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये व्लॉग आ रहा है। सो कुछ इस तरह का सोचा नहीं था कि कैसा बनाएंगे, रॉ व्लॉग है। चलो आप लोगों ने पहले आलू के पौधे देखे नहीं होंगे, ये हाथ में आलू है, उसमें से सामने से निकाले और लोगों इनने एक आलू की जान ले ली। अब यहाँ पे तो हाथ गंदे होंगे, और नेहा मैम काफी स्ट्रगल कर रही है, उनके वीडियो नहीं बन पा रहे हैं। पता नहीं आज क्या डलेगा रील में कंटेंट, शी इज द रीलर। क्यों ये काय का है? ये पार्क है वो, ये जो है ये लहसुन के पौधे हैं, ये जहां तक आपकी नजर जा रही है, और ये इस तरफ है पालक, फ्रेश पालक। अभी ये और उगेगी क्या? नहीं बस हो चुका है। और ये है मूली के पौधे, ये सब जमीन में गड़े हुए हैं। ओ यस यस है वी आर प्रिटेंडिंग लाइक फॉरेनर्स, लेकिन हमें पता तो सब है प्रोसेस, लेकिन जब अपने हाथों से कुछ करते हैं तो उसका मजा ही कुछ और होता है।
मैं कोशिश करता हूँ। भाई गुरु पकड़ो, मेहनत कर रहा हूँ, निकल पा रही है और ये निकल गई जैसे आपने बोला, और ये बिल्कुल मूली मेरे जैसी निकली, लेकिन मैं इतना साफ नहीं हूँ। इसको वॉश करके खाएंगे, मतलब मैंने खाई है पहले उखाड़ के, बहुत ही सही लगती है। और ये जो आप लोग देख रहे हो ये है प्याज के पौधे, मटन चिकन में बहुत जरूरी, इसके बिना मजा ही नहीं आएगा। नीचे ट्राई कर रहे हैं किसी और के खेत में घुसने का, ये वाला इनका नहीं है खेत, नहीं हमारा। तो ध्यान से आना, संभल के आना, और गिर जाओ तो कोई बात नहीं, चौके अरे फिसल के। देखो भाई यहाँ पे आपको मीम मिल सकता है, एक ना एक, मुझे पता नहीं स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कोई ना कोई तो जाएगा। नहीं इतना स्लिपरी नहीं है। तो अभी हम लोग फिलहाल घूमते फिरते ये पूरा वहां से क्रॉस करके आए हैं, और सोनम मैडम ने आपको पता हमें क्या बताया था, सोनम मैडम से मैंने आपको मिलवाया था ना, ये सोनम मैडम है, इनके इनके नजरिए से पता नहीं इन्होंने कौन सी दुनिया देखी है, इसको नदी कह रही है। हालांकि ये तालाब है एक, और ये सब खेती में काम आता है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं मैडम, ऐसा है अभी तालाब है, ये फिलहाल तालाब है, पानी है तो ये नदी है, बात खत्म। ये लो बस, फिर से कहना, देखिए नजर नहीं, नजरिया बदलिए, इसमें पानी है तो ये नदी है। इसीलिए हमारा देश थोड़ा पीछे जा रहा है, मोदी जी की कोई गलती नहीं है, बेचारे मोदी को ब्लेम करते रहते हैं। चलो थोड़ा सा ये क्रिएटिविटी बताएं। अब देखो आज के जो ये जो भाई साहब हैं, आप किस हिसाब से तैयार हो के आए थे, मूवी देखने जा रहे हो? अब हम इसमें पानी गर्म कर रहे हैं, और पानी गर्म करने के बाद ये हम लोग घर से लेकर आए हैं डड्डा जी का। हम लोग घर से गर्म पानी, और ये घर से लेकर आए हम लोग लड्डा जी का इंस्टेंट पोहा मिक्स, इसमें ये डालना है और आई थिंक बन जाएगा, मुझे भी पता नहीं है, बस ऐसे ही करना है। अभी एक्टिंग कर रहा हूँ बनाने की, बनाएंगे हमारी लेडीज सारी, तो लेट्स सी, अभी पानी गर्म होता है फिर दिखाते हैं इंस्टेंट पोहे। फाइनली हमारे पोहे तैयार हैं, जो कि मैंने अपने योगदान से बनाए हैं, मैंने भी बनाए हैं ऐसा मत बोलो, और इन लोगों के आधे खत्म भी हो चुके हैं। तो देखो ये इंस्टेंट पोहे थे, लेकिन लग नहीं रहे इंस्टेंट जैसे, कैसा टेस्ट, पूरे खत्म होने वाले, एक नंबर पे लपक के, भूख लगी थी भाई, और ये मिर्ची के साथ खा रहे हैं, वो भी हरी तेज वाली। हाँ एक नंबर खराब। यहाँ पे ट्री हाउस बना हुआ है, मतलब हाउस तो है ही नहीं, ऊपर ऊपर कुछ तो है, चढ़ के ऊपर देखते हैं, होप कि मैं गिरूँ ना। भोजन से कुछ नहीं होगा, बाकी देख लेना। मैं तो कहता हूँ रेन दो। आ रहे हो क्या रवि जी? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। जो देखो भैया ये जो मजे है ना, ये वो मजे हैं जो ना ही क्लब्स में आते हैं ना पार्टीज में आते हैं, ये जो मजे है ना ये बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आप लोग कर पाओ, आई मीन सभी लोग नहीं कर पाते, और करो तो अच्छा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग कुछ स्पेशल कर रहे हैं, हाँ हमारे लिए स्पेशल है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, ऐसी ऐसी जगह पे जाके घूमो जो पार्टीज में इन सब चीज़ों में उतना मज़ा नहीं है, जो नेचर में मज़ा है, खेत वेत जैसी जगह पे जाओ। हम लोगों ने सी हमारे पैर गंदे हो गए, जूते गंदे हो गए, पूरा अंदर से कपड़े गंदे हो गए, बट मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे यार क्यों गंदे हो गए, क्योंकि हाइजीन वाइजीन तो ठीक है यहाँ पे, अब आप घूमोगे ना चारों तरफ तो अपने आपको वो फील ही नहीं होगा कि कुछ गंदा हो रहा है, क्या विचार है आपके? बिल्कुल सही, बिल्कुल नेचुरल प्लेस है, और ऐसी जगहों पर बिल्कुल जाते रहना चाहिए, दिल को सुकून मिलता है और दिमाग भी आपका है ना थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है। तीनों ये नहीं, बिल्कुल टूट सकता है, मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, रुको मैं जाता हूँ, देखना ध्यान से है ना, क्योंकि मिट्टी लगी है उसमें, फिसल सकता है आराम से एकदम। ये देखो भैया ऐसा है,
ये यहाँ से हम लोग खेत से, हम लोग तो नहीं मतलब मैं तो नहीं ले जा रहा हूँ। अच्छा। नहीं नहीं ले जा रहा हूँ। देखो हम लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ से हम लोगों ने सबने फ्रेश सब्जियाँ लेके जा रहे हैं, जिसमें क्या क्या है, पालक, मूली, पालक, प्याज और आलू भी थे ना। आलू दो थे मतलब चटनी तो बनी जाएगी। हाँ तो क्या ऐसा है कि हम लोग घूम घाम के आगे और मजा बहुत आया और रवि जी हमें घर छोड़ रहे हैं और हम काफ़ी सारी चीज़ें रास्ते से लेकर आए हैं, सब्जी वब्जी। आज मैं घर पे सब्जी लेके जाऊंगा, मम्मी अगर खुश हो जाए तो मज़े आ जाएगा। एंड ऑल थैंक्स टू मिस सोनम। बाकी बस बाकी सब बढ़िया है, मिलते हैं। ड्राइवर का भी हाय ले लो सर, खाना खिला रहे हैं। ड्राइवर की मैं किसी की हाय नहीं लेता। थैंक्स टू रवि सर, ये अपनी कैरावन में लेके आए। अगर ये ना होते तो हम ठंड में पूरे, लेकिन एक्टिवा में मजा आता है। आधे घंटे की ड्राइव 45 मिनट्स की हो जाती है। मिलते हैं आगे। सो वो खेत वेत से तो हम लोग जाके आ गए थे, अभी हम हैं फिलहाल जिम पर। चीज आयुषी, ये है दिव्यांशु, ये स्पेशली पुणे से आए हैं डांस सीखने के लिए, मतलब ये होने वाले ब्राइड एंड ग्रूम है मेरे लिए और ये होने वाले हस्बैंड वाइफ है। सो इनका कपल डांस सिखाना था ब्राइड एंड ग्रूम और सिखा दिया है, अभी आज का हो गया है। सो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा सीखने में। इट वाज अ फैंटास्टिक इवनिंग, फैंटास्टिक मॉर्निंग, एंड यस्टरडे वी आल्सो परफॉर्मड फ्यू स्टेप्स एंड परफॉर्मड फ्यू सॉन्ग्स, वी आल्सो वी डिड द सेम and we are completed with our performance. अब एक बार सर को एक ट्रायल देने आना है कि हम ऐसा करने वाले हैं, कोई और अगर हम बिगाड़ दे तो भाई ऐसे सर पकड़ के बैठ जाए तो भाई ये मैंने नहीं सिखाया है। अच्छा हाँ, ये तो सुन लो कि इस ब्राइड एंड ग्रूम मतलब इनकी शादी होने वाली है, तो इन लोगों ने कपल परफॉर्मेंस सीखे इनकी शादी के लिए। yes. अगर आपको भी चाहिए तो प्लीज डू कॉन्टेक्ट मी। ये विशाल से ओके बाय। यो कमरिया मोरी।